हेलो दोस्तों, कुकिंग हिक्स में आपका फिर से स्वागत है। आज कुकिंग हिक्स में बन रही है मसूर दाल की कढ़ी। काफ़ी ये टेस्टी लगती है, बहुत ही इजी और सिंपल तरीके से बनाकर हम आपको इस वीडियो में दिखाए हैं, तो वीडियो के अंत तक आप बने रहें। चलिए हम इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे करीब हम एक कप मसूर दाल पानी में भिंगो के 2 घंटा पहले रख दिए हैं। बहुत अच्छे से ये 2 घंटा में फूल जाती है, इसमें कोई ख़ास टाइम नहीं लगता है। तो इसे हम 2-3 पानी वॉश कर लेंगे, अच्छे से फ्रेश कर लेंगे। तो यहाँ पे हम फ्रेश कर लिए हैं, यहाँ पे थोड़ा सा पानी है ही, देख सकते हैं। तो इसी के साथ ही हम एक मिक्सी जार में पानी के साथ ही डालेंगे और इसका बहुत ही फाइन पेस्ट हम तैयार कर लेंगे। तो ये लीजिए, हमने अच्छा से इसका पेस्ट तैयार कर लिए हैं। तो इसे किसी बड़ा सा बर्तन में डालेंगे और इसमें करीब हम 3 कप पानी ऐड करेंगे, क्योंकि जैसे ही इसमें हम पानी डालेंगे उतना ही पतला ये घोल तैयार हो जाएगी, लेकिन जैसे जैसे हम इसे हीट करेंगे वैसे ठीक हो जाएगी। तो पूर्ण रूप से इसमें 4 से 5 कप पानी लगेंगे, लेकिन फ़िलहाल हम यहाँ पे 3 कप ही पानी डाले हैं। यहाँ पे है लहसुन का पेस्ट, हम ऑलरेडी बनाकर रखे हुए हैं। यहाँ पे कढ़ी है तो ये थोड़ा सा भी थक्का है, ये देखिए। तो इसे हम तोड़ लेंगे एकदम से, इसे हम इस तरीके से पतला तैयार कर लेंगे इसे भी। तो इन सारी सामग्रियों को अच्छे से हमें पहले से ही तैयार करके रख लेनी है। तो यहाँ पे हम 1 कप करीब दही ले लिए हैं और अब चलेंगे गैस की तरफ। तो गैस पे हम एक कढ़ाई लिए हैं, उसमें करीब 2 चम्मच हम अंदाज से तेल ऐड करेंगे। तेल जैसे ही गर्म हो जाएगी तो 1 चम्मच मेथी दाने और 1 चम्मच जीरा और फिर हम 2 तेज़पत्ते, 2 लाल सूखी मिर्च को ऐड करेंगे और इन्हें कुछ सेकेंड के लिए हम कुक करेंगे, इसका कलर चेंज हो जाए। तो यहाँ पे कलर चेंज होने के बाद लहसुन का पेस्ट हम इसमें ऐड कर दिए हैं। इसे हमें 1 से 1.5 मिनट कुक करना है लहसुन के पेस्ट को। तो ये अब 1 से 1.5 मिनट हो गए हैं, तो हम इसमें 1 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। इन्हें मिक्स करते हुए हम इसमें अब नमक ऐड करेंगे स्वाद अनुसार। तो यहाँ पे हम करीब 1 से 1.5 चम्मच नमक ऐड कर दे रहे हैं, छोटी चम्मच है। तो इन्हें बस हमें अब भुनना है 2 से 3 मिनट मसाले को, और इसमें कोई मसाले ऐड नहीं करना है। कढ़ी में जितना कम मसाले रहेंगे कढ़ी उतना ही परफेक्ट बनती है। तो 2 से 3 मिनट मसाले को भुनने के बाद इसे हम इसमें जो दाल घोल तैयार किए थे उसे डालेंगे। तो उसे आप मिक्स करते हुए इसमें ऐड करें, क्योंकि तली में चिपक जाती है। तो ये देखिए, अब ये तो काफ़ी ये ठीक लग रही है। इसमें और हम 1 कप पानी ऐड कर दे रहे हैं। तो ये लीजिए, अभी ये देखने में काफ़ी पतला लग रही होगी, लेकिन ये जैसे जैसे हीट होगी, इसमें उबाल आएंगे, वैसे ये ठीक हो जाएगी। तो अगर लगे कि ये देखिए कितना ठीक हो गई है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप और 1 कप पानी ऐड कर सकते हैं अगर आपको चावल वगैरह के साथ खाना है तो, अगर रोटी पराठे के साथ खाना है तो आप रहने दें। यानी आप अपने अनुसार इसे जितना चाहे उतना ठीक या पतला कर सकते हैं। तो हमें थोड़ा सा कढ़ी ठीक ही अच्छी लगती है, क्योंकि गर्मा गर्म खाना रहता है। तो यहाँ पे हम अच्छे से इसमें करीब 8 मिनट तक उबाल आने देंगे इसी तरीके से। बीच बीच में हम कंटिन्यू इसे चलाते रहेंगे, कभी भी कढ़ी आप चलाएं तो रुके नहीं, नहीं तो बीच में तली में चिपक जाती है। तो इस तरीके से आप इसे कम से कम 8 मिनट कुक करें गैस का फ्लेम हाई करके। तो यहाँ पे हम 8 मिनट कुक कर लिए हैं। अब आप इसकी जो देख सकते हैं शाइनिंग, वो काफ़ी पहले से बढ़ गई है, ये पहले से थोड़ा सा कम भी हुआ है। तो इसकी जो थिकनेस है आप यहाँ पे देख सकते हैं,
तो बस अब हम गैस को ऑफ करेंगे और थोड़ा सा इसे हम रूम टेम्परेचर पर आने देंगे। तो इसे हम कंटिन्यू चलाते हुए थोड़ा सा हम ठंडा कर लेंगे, बस 1 से 1.5 मिनट, ज़्यादा ठंडा में नहीं करना है। तो यहाँ पे हम 1 से 1.5 मिनट तक ठंडा कर लिए हैं, थोड़ा सा ये डाउन हो जाए तो अब हम इसमें कढ़ी को चलाते हुए ऐड करेंगे। इस तरीके से डालने से क्या होगा कि आपकी दही फटेगी नहीं। तो यहाँ पे अब हम गैस भी ऑन कर दिए हैं और इसे हम कंटिन्यू चलाते रहेंगे। इसे तब तक हमें चलानी है जब तक कि इसमें उबाल नहीं आए। अगर आप कढ़ी डालकर नहीं चलाएंगे तो वो कढ़ी पूरी तरह से जो दही है वो फट जाती है। तो यहाँ पे बहुत ही अच्छा ट्रिक्स है कि आप दही जब भी कढ़ी में ऐड करें तो उसे आप कंटिन्यू चलाते रहें, तब तक आप चलाते रहें जब तक कि इसमें अच्छा सा उबाल नहीं आए। तो ये देखिए हम इसे भी कंटिन्यू चला ही रहे हैं, इसे हम कुछ सेकेंड के लिए भी नहीं रुके हैं। तो यहाँ पे हम आपको दिखा रहे हैं कंटिन्यू वीडियो। यहाँ पे देखिए उबाल आ गई चलाते हुए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दही है वो बिल्कुल भी नहीं फटी हुई है। आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी टेस्टी लग रही है कढ़ी। तो अब आप यहाँ पे उबाल आने के बाद गैस ऑफ कर दें। यहाँ पे हमने गैस ऑफ कर दिया है। तो ये लीजिए अब गर्मा गर्म कढ़ी बनकर तैयार है। आप कढ़ी चावल खाइए, कढ़ी पराठा खाइए, जो पसंद पड़े खाइए। काफ़ी टेस्टी लगती है ये मसूर दाल की कढ़ी। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक बटन दबा दें, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में नए रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।